एक तरफ जहां लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोग बेहद नाजुक हालात में बहुत गुजार रहे हैं, तो इसी दौरान आरक्षी विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी सहयोग में जुट रहे हैं। असम आरक्षी विभाग के एएसआई सजल दास तथा एपीआईबीएन बटालियन के असम आरक्षी के जवान बलिराम नुनिया ने भी सहयोग में जुटते हुए दिखाई दिए। इस दिन एएसआई सजल दास ने करीब 30 परिवारों के बीच आहार सामग्री प्रदान किया, जबकि बलिराम नुनिया ने 15 एपीबीएन की ओर से करीब 150 परिवार सदस्यों के बीच चावल, दाल व दूसरे जरूरतमंद राशन वितरण कर अपना सेवामूलक गतिविधि को अंजाम दिया। नमस्कार, मैं बलिराम नुनिया, मैं 15 एपीआई बटालियन में सर्विस करता हूँ असम गवर्नमेंट का। और मेरा जो शक्ति था उस शक्ति अनुसार हमारे गांव में जो प्रापसी जो इलाका है उस इलाके में जितना मेरा सका उतना उन लोगों को मैं खाने का जो जुगाड़ कर सका उन्हें करके दिया हूँ। कितने फैमिली को आपने आज दिया? कम से कम 120 से 150 परिवार होंगे जो लाचार है, जो खुद के ऊपर मतलब रोजगार पर खड़ा नहीं हो सकते। जो लॉकडाउन का टाइम है, इस लॉकडाउन के टाइम पर वो लोग मतलब रोजगार नहीं कर सकते, घर पे भूखा है, उन लोगों को मैंने थोड़ा सा जो मतलब जो शक्ति था उसके अनुसार उन लोगों को दान दिया हूँ। पवन बिस्कुट सबान आलू হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে যেহেতু ইয়ে করেছিল, আমার কর্মচারী পরিষদক যে কইছিল কর্মচারীবিলাকে দিব কারণে সেইটোর উদ্যোগত আমি দিয়ে আছো।